नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और विधानसभा चुनाव की काउंटिंग से एक दिन पहले उज्जैन में हंगामा हो गया। दरअसल कांग्रेस ने डाक मतपत्रों की पेटी के ताले पर सील नहीं होने और धांधली करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम से इसकी शिकायत कर जांच की मांग की है। दरअसल जिला कोषालय के स्ट्रांग रूम में पोस्टल बैलेट्स को मतगणना स्थल शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज ले जाया जा रहा था। इस दौरान तराना से कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने मत पेटी पर लगे तालों पर कागज की सील नहीं होने पर आपत्ति जताई और उनका कहना है कि ये मत पेटी महिदपुर विधानसभा क्षेत्र की थी। परमार ने बैलेट के साथ छेड़छाड़ होने की भी आशंका जताई है। फ्रेश लगाते अपन तो फ्रेश दिखता, अगर इसके ऊपर सील और स्टिकर था इसका मतलब ताले पे फटी गई है। देखो सर, आप बोल रहे हैं, आपने अभी मेरे पे बोला। अजय पटवा हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अजय, बालाघाट में हमने देखा एक वीडियो सामने आया था, कार्रवाई हुई थी, अब ये तो एकदम चुनाव में वोटों की गिनती से पहले जो मामला सामने आया गर्माता जा रहा है। जी देखिए, जिस तरीके से कल जो है प्रत्याशियों का भविष्य का पिटारा खुलेगा, लेकिन उससे पहले जो बैलेट पेपर थे जो कलेक्टर कार्यालय के कोषालय में रखे रहते हैं उनको पहुंचाने का कार्य किया गया था और कलेक्टर कार्यालय के द्वारा जो है जो प्रत्याशी थे उन लोगों को सूचना दी गई, उनको वहां बुलाया गया। इसकी उनकी मौजूदगी में जो है निर्वाचन कार्यालय से जो है इंजीनियरिंग कॉलेज पर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा था, लेकिन महितपुर के जो प्रत्याशी हैं दिनेश जैन बोस, उनके द्वारा आपत्ति ली गई कि जो है बैलेट पेपर की जो पेटी है उस पर सील नहीं है। इसी के बाद जो है इसके बाद कलेक्टर का कहना है कि इस पर जो सील है पेटी पर लगी हुई है लेकिन ताले पर नहीं लगी हुई थी। इसके बाद जो प्रत्याशी थे उनके द्वारा जो है उस पर सील लगवाई गई है, पर उनका ये भी कहना है कि हमारे यहाँ पर रोज बैलेट पेपर आते हैं, इसके बावजूद भी कल तक बैलेट पेपर आएंगे और जो 6 बजे तक बैलेट पेपर आएंगे उसको मान्य किया जाएगा। तो इन सब बातों को लेकर जो है कांग्रेस प्रत्याशियों ने आरोप लगाया था कि जिस तरीके से उस पेटियों पर सील नहीं थी ताले पर, उसको लेकर उन्होंने जो गड़बड़ी की आशंका जताई है। लेकिन कलेक्टर ने साफ कहा है कि जो पेटी है उसकी दोनों उस पर सील लगी हुई थी लेकिन ताले पर नहीं लगी थी, लेकिन उनकी मौजूदगी में उनके द्वारा सील लगवाई गई है। जी, लेकिन अजय, चुनाव आयोग का नियम क्या कहता है, पेटियों पर सील होनी चाहिए, तालों पर सील होनी चाहिए? चुनाव आयोग की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया अब तक आई हो? जी देखिए, उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने साफ कहा है कि जिस तरीके से जो पेटी जो होती है बैलेट पेपर की, उसमें डेली जो है बैलेट पेपर अलग अलग जो तहसील होती है वहाँ से उज्जैन जो है कोषालय जो है कलेक्टर कार्यालय का वहाँ पर आती है और वो पेटियों में रखी जाती है, इसके बाद ही जो है उसमें सील लगाई जाती है। लेकिन पेटी पर सील लगी हुई थी, ताले पर नहीं लगी हुई थी, इसी बात को लेकर जो है कांग्रेस प्रत्याशी जो दिनेश जैन बोस हैं उन्होंने इस बात की आपत्ति जताई थी और इसको लेकर ही कलेक्टर ने जो है अपनी सफाई पेश की है। जी बिल्कुल, और चूंकि अभी तक जो ये पूरा घटनाक्रम रहा है बवाल स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरह से तालों पर सील नहीं है इस बात को लेकर कांग्रेस की तरफ से आपत्ति जताई गई थी। बहुत शुक्रिया आज आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे उज्जैन के महितपुर विधानसभा में गड़बड़ी के आरोप के मामले की, जहां विधानसभा मामले में ट्वीट पर अरुण यादव ने सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट किया और डाक मतपत्रों की गड़बड़ी सामने आई बालाघाट के बाद अब उज्जैन में भी गड़बड़ी की बात कही। उज्जैन के कोठी पैलेस के स्ट्रांग रूम में रखे डाक मतपत्रों की पेटी की सील टूटी मिली, ये जो पोस्ट है दरअसल सामने आया है और इस पोस्ट के माध्यम से इसमें अरुण यादव ने प्रतिक्रिया दी है माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर। डाक मतपत्रों की गड़बड़ी की बात उन्होंने कही है और एक तस्वीर उन्होंने साझा की है और उस तस्वीर के माध्यम से उन्होंने कहा कि उज्जैन में भी गड़बड़ी की बात कही जा रही है। दरअसल इससे पहले बालाघाट में इस तरह का एक वीडियो सामने आया था जहां पर समय से पहले ही पेटियों को खोलने की बात कही जा रही थी। और इस बीच ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां कमलनाथ पर सिंधिया का तंज, जीत से पहले कमलनाथ के पोस्टर पर उन्होंने तंज कसा, कहा हर आदमी को हक है अपने लड्डू खाने का, आखिरी फैसला जनता का होता है। आपको बता दें कि जिस तरह से कमलनाथ के नाम से पोस्टर्स लगाए गए थे, उन पोस्टर्स को लेकर, उन पोस्टर्स पर जीत का दावा करने वाले स्लोगन्स लिखे हुए थे,
उसे लेकर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ पर निशाना साधा और उनका ये कहना है कि अपने हक के लड्डू हर कोई खा सकता है, अपने लड्डू खाने का हक सभी को है, जनता तय करेगी कौन जीत रहा है। वो अपना हक है अपने लड्डू खाने की, पर अंतिम छोर पर आखिरी निर्णय जनता का होता है और जनता ही आशीर्वाद समान किसी जनसेवक को या जननेता को मौका देती है। और जो लोग पहले से लड्डू बांटने में लगते हैं उनका क्या हाल होता है वो हम सब ने इतिहास में स्वयं देखा है। और सीएम के सवाल पर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि सीएम की दौड़ में मैं नहीं हूं, संसदीय बोर्ड ये तय करेगा कि आखिर कौन सीएम होगा। काम करता है तो प्रमोशन होना चाहिए, अगर आपकी सरकार चाहने में कोई बुराई नहीं है, अगर आपकी सरकार बनती है, आप गृह मंत्री हैं तो प्रमोशन में क्या मैं उस दौड़ में ही शामिल नहीं हूँ, सवाल गलत जगह पूछा। और तो अगर सीएम नहीं तो डिप्टी तैयार है, हम सीएम के लिए तैयार है। मैंने कहा मैं दौड़ में ही शामिल नहीं हूँ। डिप्टी आप भले ही नहीं हो लेकिन संगठन बनाना चाहिए, संगठन काहे को ऐसी बात करेगा भाई। उत्तर प्रदेश जैसा फार्मूला मध्य प्रदेश में भी हो सकता है क्या, दो दो डिप्टी? उत्तर और पुत्र की बात सब संसदीय बोर्ड करता है, मैं थोड़ी करता हूँ, पूछी गलत जगह रहे। एमपी का सीएम हाईकमान तय करेगा, उनका कहना है। कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि सीएम कौन होगा ये तो हाईकमान तय करता है। अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी काबिज हो जाती है तो सीएम क्या शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं या किसी और के सर पर आप सीएम का ताज रखेंगे? देखिए, ये सब निर्णय करने का काम दिल्ली में बैठे हुए हमारे नेताओं का है, पर फिर भी हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी विधायक दल की बैठक होगी, वहाँ पर नाम तय होगा और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड उस नाम पे मोहर लगाएगी, पर कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही सीएम बनेगा। और ये कैलाश विजयवर्गीय हैं जिनका ये कहना है कि सीएम तो हाईकमान तय करता है। बढ़ते हैं आगे हरदा से खबर, जहां पर कृषि मंत्री के बेटे पर डर का माहौल बनाने का आरोप कांग्रेस लगा रही है। दरअसल कांग्रेस ने सुदीप पटेल पर सोशल मीडिया पर धमकी भरे मैसेजेस लिखने की बात कही है। कांग्रेस ने कहा कि मंत्री पुत्र सोशल मीडिया पर लिखा हुआ है, खुला खेल करो, खुली छूट है, कमर के नीचे मारना, कोई डॉक्टर इलाज नहीं करेगा जैसी बातें लिखी गई हैं। और इन बातों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भय है, उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के मंत्री पुत्र सुदीप को मतगणना केंद्रों से दूर रखे जाने की मांग की है और इस पूरे मामले में अब FIR भी दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम अब तक सामने आया जिसमें कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है और आरोप ये लगाया है कि भय का माहौल बनाया जा रहा है, जिस चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने का दावा किया जा रहा था उस चुनाव में भय का माहौल बनाया जा रहा है। दरअसल यहां पर जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा कहा गया, कांग्रेस ने सुदीप पटेल पर सोशल मीडिया पर धमकी भरे मैसेजेस लिखने की बात कही है। उनका कहना है कि मंत्री पुत्र सोशल मीडिया पर खुला खेल करो, खुली छूट है, कमर के नीचे मारो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई डॉक्टर इलाज नहीं करेगा जैसी बातें लिखी गई हैं, ये आरोप लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से। जबकि हरदा बीजेपी प्रत्याशी मंत्री कमल पटेल के बेटे सुदीप पटेल पर FIR सोशल मीडिया पर मैसेज के जरिए धमकाने के मामले में की गई है और कांग्रेस प्रत्याशी RK दोगने की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है, जिसमें धारा 188, 507 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सिटी कोतवाली पुलिस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि यहां पर जो कार्रवाई की बात अब तक सामने आई है, क्या कुछ की जा रही है इस पर भी डिटेल आप तक आगे पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि धारा 188, धारा 507 और धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया, सिटी कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि यहां पर जिस तरह से धारा 188 लगाई गई है और इस पूरे मामले में धारा 188, 507 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है और सिटी कोतवाली पुलिस पूरे मामले में अब आगे की कार्रवाई करेगी। देखना होगा कि जो आरोप लगे हैं मंत्री कमल पटेल के बेटे पर क्या कुछ एक्शन आगे लिया जाता है।
और इस पूरे मामले में ताजा जानकारी ये मिल रही है कि FIR दर्ज कर ली गई है और इस FIR में जो धाराएं लगाई गई हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। धारा 188, धारा 507 और 34 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर धमकी भरे मैसेजेस लिखने का आरोप है और धमकाने का आरोप है। कमल पटेल के बेटे सुदीप पटेल पर FIR दर्ज किए जाने की बात कही जा रही है। हरदा से इस वक्त की बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर मैसेज के जरिए धमकाने का आरोप सुदीप पटेल पर लगा और इसी आरोप के तहत ये FIR दर्ज कराई गई है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की गई थी। प्रवीण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद है। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, ये जो पूरा मामला है ये सोशल मीडिया पर धमकी भरे मैसेज पोस्ट करने से जुड़ा हुआ है पूरा मामला है। इस पूरे मामले में जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं यहाँ से आरके दोगने, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि सुदीप पटेल लगातार जो है इस तरीके के मैसेज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। इस मामले में उन्होंने जिला निर्वाचन कार्यालय और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जो है इस मामले में शिकायत की थी। उसके बाद जो है प्रशासन भी हरकत में आया था और आज शाम को जो है कांग्रेस प्रत्याशी जो आरके दोगने हैं उनकी शिकायत पर सिटी कोतवाली थाने में जो है सुदीप पटेल के खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज हुआ है। 188 धारा, चूंकि इसमें कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन माना जाता है, चूंकि आचार संहिता भी प्रभावशील है, तो धारा 188 लगी है। 507 धमकाने का मामला जो है, 507 जो है धारा वो लगाई गई है। अब इस पूरे मामले में जो है चूंकि प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और जिले की राजनीति का जो है पारा जो है एक बार फिर गर्मा गया है, क्योंकि हरदा जो सीट है, वो जो विधानसभा सीट है, वो काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है और इस पूरे मामले के बाद जो है बिल्कुल जिले की राजनीति भी गर्मा गई है। जी आजी जी, बिल्कुल। और ये जो पूरा घटनाक्रम सामने, आप देखना होगा कि क्या पुलिस भी इस पूरे मामले में एक्शन लेती है और जो धाराएं लगाई गई उन धाराओं के तहत क्या कोई कार्रवाई की जाती है। नजर बनाए रखिएगा, आप डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि कमल पटेल के बेटे सुदीप पटेल पर FIR दर्ज की गई है और इस पूरे घटनाक्रम में सोशल मीडिया के जरिए मैसेजेस लिखकर धमकाने का आरोप लगाकर शिकायत दी गई है और FIR भी दर्ज कर ली गई है। कमल पटेल के बेटे हैं सुदीप पटेल, जिन पर आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी ने। आरोप ये लगाया कि सोशल मीडिया पर ये धमका रहे हैं, धमकाया जा रहा है और उनके धमकी भरे मैसेजेस से कार्यकर्ताओं में भय का माहौल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में एक बार फिर कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है बीजेपी सरकार बना रही है। समाज के हर वर्ग ने बीजेपी को समर्थन दिया है और भारी बहुमत से सरकार बन रही है। कल सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो पहले से ये उम्मीद क्या, विश्वास है भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी के प्रति प्रेम और विश्वास, केंद्र सरकार की योजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का कमाल, विकास मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो अद्भुत और अभूतपूर्व हुआ है, उसके कारण जनता का विश्वास और चारों तरफ समाज के हर वर्ग से स्नेह प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा हुई है। लाडली बहनों ने तो आशीर्वाद दिया ही है, भांजे भांजे भी पीछे नहीं रहे। कुल मिला के समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से यहां सरकार बनाने जा रहे हैं। कितनी सीटों का आकलन अगर आप, और भोपाल में काउंटिंग से पहले कमलनाथ का बयान आया, उन्होंने कहा कि MP के वोटर्स पर उन्हें पूरा भरोसा है और MP में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और इसके साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों से बात करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अगर भाजपा के पास सीट है तो नाटक क्यों किया जा रहा है। देखिए, मुझे कोई पोल से मतलब नहीं, मैंने हमेशा ये कहा है
मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है। सर आप कॉन्फिडेंट हैं? सर मैंने कहा मुझे मध्य प्रदेश की मतदाता पर पूरा विश्वास है। सर ये जो निर्दलीय और बागी है इनसे भी क्या बातचीत कर रही है? देखिए ये सब की आवश्यकता नहीं है। सर आपने एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है, कांग्रेस ने एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है। ये सब अगर बीजेपी के पास 107 सीट है तब ये क्यों सब नाटक कर रही है? इससे बात करो, उससे बात करो। और इस बीच बड़ी खबर इंदौर से आ रही है, जहां विजयनगर थाने के सब इंस्पेक्टर की आत्महत्या का मामला सामने आया। दरअसल घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल यहां मल्हागंज थाना क्षेत्र का यह पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। जानकारी ये मिल रही है सब इंस्पेक्टर की आत्महत्या का यह मामला, जिसमें सब इंस्पेक्टर ने फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो अब तक जानकारी मिली है, घर में ही फांसी लगाकर सब इंस्पेक्टर ने जान दे दी। इंदौर से यह बड़ा मामला, मल्हागंज थाना क्षेत्र की यह घटना। कल का बड़ा दिन है और आज ये इस तरह की एक घटना सामने आई है, हैरान कर देने वाली और दुखद यह मामला। जिस तरह से एक सब इंस्पेक्टर के द्वारा आत्महत्या की गई, आखिर कारण क्या रहा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर है। मिथिलेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो विजयनगर के सब इंस्पेक्टर हैं विकास पाटिल, इनसे अक्सर मेरी भी मुलाकात होती थी। मैं व्यक्तिगत रूप से इन्हें जानता था। जब भी हम लोग थाने में किसी भी क्राइम को लेकर वहां पर पहुंचते थे, ये पूरी जानकारी देते थे। विकास खुलकर मीडिया के सामने अपनी बातें रखते थे और अक्सर मीडिया के साथ में ये साझा करते थे सभी जानकारियों को। विकास की अगर बात की जाए तो मीडिया के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। इस सब इंस्पेक्टर को हम लोग भी व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, लेकिन वो ऐसा कदम उठाएंगे ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा था। और जो अभी तक जानकारी सामने आई कि पारिवारिक विवाद की वजह से इन्होंने आत्महत्या कर ली है। लेकिन अगर थाने से लेकर तमाम बड़े अधिकारियों तक बात की जाए तो हर कोई इस आत्महत्या के कदम उठाने के बाद में स्तब्ध है कि शायद विकास को किसी वरिष्ठ अधिकारी से बात करना था, अपने लोगों से बात करना था इस कदम उठाने के पहले, क्योंकि ये मिलनसार थे, लोगों से मिलकर बातचीत करते थे, अब तमाम अपनी बातें रखा करते थे। लेकिन शायद जो बात उन्हें बताई थी वो बात उन्होंने लोगों से नहीं बताई। अपने ही घर में उन्होंने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तमाम बड़े अधिकारी मौके पहुंचे, एफएसएल टीम मौके पहुंची, परिवार के स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी, लेकिन ऐसी आखिर क्या वजह थी, क्यों तनाव में थे, सब चीज जांच का विषय है, जांच करी जा रही है। लेकिन जहां तक इन सब इंस्पेक्टर की बात की जाए तो ये विजयनगर थाने में पदस्थ थे और हर किसी के लिए ये जो नाम है वो काफी पहचान वाला था, हर किसी से मिलते थे। कई सारी अगर क्राइम अपराध से जुड़े हुए मामलों को देखा जाए तो कई सारे अपराध की गुत्थी को इन्हें सुलझाया। यंग थे, नौजवान सब इंस्पेक्टर थे और बेहतर काम के लिए इनकी पहचान थी। लेकिन ये आत्महत्या जैसा कदम उठा लेंगे कभी किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन आत्महत्या कर लिया है। अब पूरे मामले की जांच चल रही है और लेकिन जब से हर किसी ने सुना है कि इन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया, कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि ये जो जैसा बता रहे हैं मिथिलेश की, पहले भी कई बार आप लोगों का मिलना किसी केसेस के सिलसिले में हुआ करता था, तो स्वाभाविक रूप से इस तरह की जब घटना सामने आती तो दुखद ये घटना होती और काफी हैरत में डाल देने वाला मामला। आगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। अभी मल्हारगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो पुलिस वालों के लिए मल्टी बनी हुई है उसके अंतर विजयनगर में पदस्थ सब इंस्पेक्टर विकास पाटिल, इनके द्वारा कमरे में कथित रूप से सुसाइड करना बताया गया। पुलिस ने मौके पर पहुँच के घटनास्थल का मुआयना किया है, एफएसएल टीम को बुलाया है और वहाँ जो भी मृतक की बॉडी को फोटोग्राफी वगैरह करा के और उसको हॉस्पिटल में जो है वो सुरक्षित, सबको सुरक्षित रखने के लिए और पोस्टमार्टम करने के लिए MY हॉस्पिटल में रवाना किया है। और कल मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद सभी पार्टियों को 3 दिसंबर यानी कल के चुनावी नतीजों का इंतजार है और सभी जगह मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। सुरक्षा के कड़े पहरे के बीच ये काउंटिंग होगी। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर भोपाल की, जहां तैयारियां जोरों पर है। पूरी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इंदौर से भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। तीसरी तस्वीर खरगोन से, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। चौथी मंदसौर से, और यहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई हमारे सहयोगी ने जायजा लिया, ये दिखाते हैं आपको।
मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर एक और जहां इलेक्शन कमीशन के साथ पॉलिटिकल पार्टियों ने भी बड़ी तैयारी की है, तो वहीं पुलिस भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करे हुए है। इस समय मैं मौजूद हूं मतगणना स्थल के बाहर, जो पुरानी जेल में बनाया गया है, स्ट्रांग रूम मौजूद है, और इस पूरे रूट पर जो है वो आने वाले समय में यानी कि कल के दिन जो है ट्रैफिक डाइवर्ट भी रहेगा, ताकि यहाँ पे ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति ना बने। सुबह 6 बजे से ट्रैफिक डायवर्जन जो है वो 3 दिसंबर को शुरू हो जाएगा। पुराने पुलिस कंट्रोल रूम चौराहे से लेकर जिला अदालत तक जो 4 पहिया और 2 पहिया वाहन है उनका जो प्रवेश है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। वहीं निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो पुरानी जेल को जो है कंट्रोल रूम यहां पर बनाया गया है, और इस दौरान यहां पर हाई सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी। मध्य प्रदेश पुलिस के साथ यहां पर सेंट्रल की फोर्सेस का भी कहीं ना कहीं पहरा रहने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और लगातार वीआईपी मूवमेंट भी इस जगह पर होने वाले हैं। तो लोगों से भी कहीं ना कहीं पुलिस ने अपील की है कि आप लोग अपनी आवाजाही को इस रास्ते की जगह किसी और रास्ते का अगर उपयोग करते हैं तो वो आपके लिए सुविधाजनक रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। नेहरू स्टेडियम में काउंटिंग होना है और सुरक्षा व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर खुद उसका जायजा ले रहे हैं इंदौर पुलिस कमिश्नर मकरंद देवस्कर सर, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कल अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कितनी रहने वाली है? कल इम्पोर्टेंट डे है। कल सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगभग 1000 आदमी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई जा रही है, जिसमें आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन और कोर एरिया जो है जहाँ पर एक्चुअल मतगणना होगी वहाँ पर ये व्यवस्था रहेगी। सभी का जो एंट्री है वो स्ट्रिक्टली बाय पास इंश्योर किया जाना है। मोबाइल फोन्स सिर्फ आरओ और एआरओ को ही रखने की अनुमति इलेक्शन कमीशन ने दी है, तो इन सभी निर्देशों का पालन सख्ती से कराए जाने का उद्देश्य रहेगा। इसके अतिरिक्त रुझानों के अनुसार शहर में भी कुछ स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, तो उससे निपटने के लिए भी पर्याप्त रिजर्व बल जो है जगह जगह पर रखा जा रहा है। सर, क्या हमने कुछ संवेदनशील इलाके भी कुछ चिन्हित कर रखे हैं? देखिए, ये कुछ ट्रेडिशनली संवेदनशील इलाके हैं, वहाँ पर पर्याप्त फोर्स जो है वो रखा जा रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, जैसे जैसे रुझान आने लग जाते हैं वैसे वैसे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ने लग जाता है, उन्हें क्या जो नेहरू स्टेडियम के बाहर ही बैरिकेड लगाकर रोका जाएगा, कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी? देखिए, नेहरू स्टेडियम के अंदर तो कोई भी बिना पास के नहीं आ पाएगा, बाकी जो बाहर